स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बल्लाळस्तु विनायक स्वमहणे चिंतामणि केवरे विघ्नेश्वरश्च ओझरे ग्रामे रांजण संस्थितो गणपति कुर्यात् सदा मंगलम् सुस्वागत हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सभी संगीत प्रेमियों को आज के इस बेहतरीन शो ब्रास मिनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज का दिन भी बड़ा अच्छा है, आज ईद है, आप सभी को ईद मुबारक। हालांकि ईद ये ऐसा त्यौहार है कि इस दिन लोग गले मिलते हैं, अपने जो भी कुछ झगड़े अगर है किसी के साथ तो सब मिटाकर हम लोग गले मिलते हैं। अगर आप देखोगे आज के दिन की शुरुआत जो थी वो बारिश से हुई थी कि पूरा माहौल ऐसा ठंडा हो गया था। मैं चाहता हूँ जिस तरह से ज़ोरों से बारिश आई थी उसी तरह तालियों की भी बारिश होनी चाहिए। ब्रास मेनिया, ब्रास क्या होता है? आपने वो गाना सुना है, ये दुनिया पित्तल दी, वो जो पित्तल होता है उसी को ब्रास कहते हैं इंग्लिश में। आपने शादी ब्याह में बैंड देखा होगा, ब्रास बैंड होता है, आते हैं सारे बाराती होते हैं, उनके साथ जो भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी को ब्रास कहते हैं। ब्रास मेनिया ये इस तरह का सब्जेक्ट है कि आदमी पागल हो जाए इस तरह से ये ब्रास सेक्शन अपना काम करता है। ब्रास सेक्शन में क्या क्या चीज़ें होती है? ब्रास सेक्शन में होते हैं ट्रम्पेट, आज 6 ट्रम्पेट यहाँ पर हाजिर है आपके लिए। उसके बाद होता है ट्रोम्बोन, 3 ट्रोम्बोन प्लेयर यहाँ पर हाजिर है, और फिर फ्रेंच हॉर्न है, न्यूट्रल ट्रम्पेट है, कॉर्नेट है, फ्लूजेल हॉल है, ट्यूबा है, ब्रास ट्रोम्बोन है, बैरिटोन हॉर्न है, यूफोनियम है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये ब्रास सेक्शन में आते हैं और इसका मज़ा बिल्कुल अलग आप ज़रूर इस शो में महसूस करोगे। तो लीजिए पेश है हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप प्रेजेंट्स ब्रास मेनिया। Thank you.
बात है, क्या बात है। बस जब भी हम ब्रास के गीतों की बात करते हैं, अब आप सभी को मुझसे बात करनी है। जब भी ब्रास सेक्शन के गाने आप सुनते हो, आपके जहन में कौन से संगीतकार आते हैं? आर डी, यस, कल्याण जी, आनंद जी और भक्तिदा, ग्रेट, और शंकर जय किशन, ठीक है। गायक कलाकारों में कौन याद आता है? आशा भोसले। चलो, गायक कलाकार, ओके। अभी जो आपके जहन में ये बात बैठी है कि हाँ, पंचमदा है, आशा भोसले है, तो ब्रास है, देखते हैं पूरे प्रोग्राम में क्या होता है। सबसे पहले बुलाना चाहता हूं प्रियंका मित्रा जी को, आप स्टेज पर आ जाइए। नमस्कार। नमस्कार। आज आपका बर्थडे है। अच्छा, और सबको पता है? कैसे पता है बताइए, कैसे पता है जी? नहीं, पीछे देखिए। तो थैंक यू सो मच। आपका बर्थडे और आप ही से शुरुआत आज के इस प्रोग्राम की। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा गाने इन्हीं के हैं और इन्हीं के लिए आज का ये शो यहाँ पर हो रहा है। आपने हमें नमस्ते कर दीजिए। अब पब्लिक की बारी। थैंक यू। हेलो 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 हेलो। मोहिनी 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 हो 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 हो। कौन है वो? वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नते बार बार। कैसे? ऐसे।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ये था फिल्म तेजाब का गीत और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ब्रास की ये शुरुआत थी और अगले पायदान पर फिर एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और किशोर कुमार मिस्टर आलोक आडदरे यहाँ पर आएंगे। यस आलोक जी, जी आप तो गाना गा रहे हो, जी पहला गाना आपका राजेश खन्ना का नहीं है आप बोलेंगे नहीं अभी, अरे ओ पुष्पा आज नहीं होगा, आज नहीं होगा ठीक। आपका जो गाना है उसके बोल है ओम शांति ओम। चलो मैं आपसे पूछता हूं, हे तुमने कभी किसी को दिल दिया? दिया। कभी किसी से प्यार किया? किया। अब भुगतो। घर घर की कहानी। शांति ओम शांति शांति ओम।
के कर ली रात खराब। देखो मैंने किसी को दिल दे के कर ली रात खराब। देखो आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब। देखो वो ना कहेंगे तो खुद किसी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो ना कहेंगे तो खुद किसी भी कर जाऊंगा मैं यारो, वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओ सलाम लेकर, वो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर। हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर, उसका ही नाम लेकर। मेरे हजारों दीवाने अब तक बन गया दीवाना, मेरे हजारों दीवाने अब तक बन गया दीवाना। तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना सही। ओ शांति ओ शांति शांति ओ शांति शांति ओ। मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों, प्यार करके जन खोया नींद खोई। हर झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लो कोई। हर प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है लो कोई। चलता नहीं है जिसे प्यार से और कोई, इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओ क्या बात है, क्या बात है। इसे कहते हैं पावर पैक परफॉर्मेंस। आइए
अगली पैदन पर फिर एक बार भपिदा आपके सामने उनका संगीतबद्ध किया हुआ गीत हम पेश करेंगे। आज के प्रोग्राम के ये सारे गीत ऐसे ही है कि आपको भी नाचने का मन करेगा। अगर कलाकार यहाँ नाचे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें भी मूड वहाँ आता है। जी मैं जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ मनीषा जांबोटकर और आपके सामने पेश कर रही है जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा।
आइए। अब बारी है शंकर जयकिशन साहब और मोहम्मद रफ़ी। एक बहुत बढ़िया फिल्म थी, शम्मी कपूर साहब ने उसमें बहुत प्यारा रोल किया था। फिल्म का नाम है राजकुमार और इस गीत को लेकर आ रहे हैं हमारे ग्रुप के राजकुमार वैभव वशिष्ठ। अगली पायदान पर फिर एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, लता जी की आवाज़। जी हाँ,
ये वो गीत है जो कैबरे के लिए लता जी का प्लेबैक पहली बार एलपी साहब ने इस्तेमाल किया था। गीत के बोल है आ जाने जा, और मैं बुलाना चाहूँगा गौरी कवि मिरज गावकर।
थैंक यू वेरी मच। आइए अगले पायदान पर और एक नई फनकारा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। वैसे हमारा कोई भी शो हो, कोई ना कोई न्यू टैलेंट हमारे स्टेज पर आता ही आता है। आज आपके सामने ऐसी ही एक फनकारा आ रही है जिसका नाम है पल्लवी तेलगांवकर, और वो आपके सामने फिल्म परिणीता का गीत पेश करेगी, कैसी पहली जिंदगानी। पल्लवी लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव द केनीजी ऑफ इंडिया मिस्टर श्यामराज हियर ऑन द टेनर सैक्सोफोन, and Robin who has arranged all this brass section, the wonderful brass section. And Shyamji is such a wonderful player, jazz player. He plays this tenor as well as soprano, and I would like to request him to play a short solo for this song. The song coming up to you, it's a club song, Pehli. So can I have the chord, Naruji, please? B flat major. Hey, kindly Shyamji. Thank you.
अगले पायदान पर एक ट्रिब्यूट है श्रीदेवी जी को, और इस गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति जी ने। इस गीत को लेकर आएगी प्रियंका मित्रा, और गीत के बोल है हवा हवाई, और फिर एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी।
नए संगीतकारों में एक नाम है जतिन ललित जी, जिनके इस फिल्म के बहुत सारे गाने जिसमें ब्रास सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और गीत के बोल है रुक जा ओ दिल दीवाना। इस गीत को लेकर आ रहे हैं मिस्टर आलोक काटदरे। Yeah.
आज के प्रोग्राम का ये 10वां गीत आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, जिसमें पहली बार पंचमदा का संगीत है और आशा जी की आवाज है। बहुत प्यारा गीत मनीषा आपके सामने लेकर आएगी, आज की रात कोई आने को है रे बाबा, अपने अलग अंदाज के साथ।
जी, ये जो ब्रास के गाने हैं, जैसे कि मैंने बहुत शुरू में आइडेंटिफाई किए थे कि किस संगीतकार के गाने हो सकते हैं, ऐसे कई संगीतकार हैं, सिर्फ पंचमदा ही नहीं है, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, शंकर जयकिशन, ये बात बहुत लाजमी है कि हम जब भी ब्रास के गाने सुनते हैं हमें हमेशा पंचमदा ही याद आते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी वैरायटी दी है जो हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन जहाँ आज का ये शो ब्रास मिनिया है, तो अलग अलग संगीतकारों को यहाँ शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगले संगीतकार हैं राम लक्ष्मण और फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। गीत के बोल हैं दीदी तेरा देवर दीवाना, और इस गीत को लेकर आ रही है गौरी कवि, और उनका साथ देंगे वैभव वशिष्ठ।
रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना, आए राम योगा है जमाना, आए राम योगा है जमाना। अच्छा एक बार मैं चाहूंगा जरा इनके डांस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, क्या बात है। आज शो का बजट ज्यादा था इसलिए उन्होंने परफॉर्म कर लिया। आइए अगली पायदान पर, बहुत ही अलग गीत है ये। हम देख रहे हैं कि ब्रास सेक्शन के जितने भी सारे गाने हैं वो आपके सामने पेश हो। अगला जो गीत है उसमें ब्रास सेक्शन की साउंड है लेकिन ब्रास सेक्शन इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसके बावजूद हमने इस गीत को यहाँ शामिल किया है। गीत के बोल है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। विश्वात्मा फिल्म का नाम है, साधना सरगम जी ने इसे गाया है और विजू शाह साहब का ये संगीत आपके सामने लेकर आ रही है प्रियंका मित्रा।
कसम पैदा करने वाले की, फिल्म का नाम है ये। और इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत झूम 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 बाबा, संगीतकार भोपी लाहिरी, और इस गीत को गाया है सलमा आगा जी ने, आपके सामने पेश करेगी पल्लवी तेलगांवकर।
ये जो मजा है, पता ये कुछ नया नया है कि तुमको आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है। झूम 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 अगले पायदान पर एक ऐसा गीत जहाँ थोड़ा भी ब्रास हो तो सब लोग इस गीत को अपने शो में ज़रूर शामिल कर लेते हैं। कल्याण जी आनंद जी साहब का संगीत है फिल्म जॉनी मेरे नाम से, जॉनी मेरा नाम, और ये वो गीत है जहाँ पर सिर्फ ब्रास नहीं बल्कि सैक्सोफोन का पूरा सेक्शन इस्तेमाल किया गया था। हुस्न के लाखों रंग आपके सामने लेकर आएगी मनीषा जांबोटकर। Thank you.
आइए अगली पायदान पर मैं बुलाने जा रहा हूँ वैभव वशिष्ठ को। मैंने 4 दिन पहले एक पोस्टर फेसबुक पर डाला था, अगर आप लोग यूट्यूब देखते हैं तो यहाँ मैंने पीछे भी वो रखा है। 4 दिन पहले वैभव वशिष्ठ ने तुम अगर साथ देने का वादा करो, इस गीत की व्यूअरशिप 50 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर दी है और स्टेज इंडस्ट्री पर जितने सारे मेल सिंगर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वैभव की है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब 2011 में वैभव दिसंबर महीने में मेरे पास आया था, पहला स्टेज षणमुखानंद में रफ़ी साहब के गीतों से उसका सफ़र जारी रहा, फिर मैंने उसे मन्ना डे गवा लिया, महेंद्र कपूर गवा लिया, सिर्फ मुकेश बाकी रह गया है, वो भी कभी हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से वो आगे बढ़ रहा है बहुत खुशी होती है उसको, आगे की जो भी उसकी ज़िंदगी है वो इससे भी ज़्यादा बहुत सफल हो, यही मैं शुभकामना करता हूँ। और आपके सामने वो पेश करेंगे मैंने प्यार किया का गीत, मेरे रंग में रंगने वाली, राम लक्ष्मण साहब का संगीत है और SP बाला सुब्रमण्यम साहब का उसमें आवाज़ है। थैंक यू। Yes।
सवालों का जवाब दो आज ये जो शो हो रहा है इसके जो प्रेजेंटर है मिस्टर मेहरा जी यहाँ सामने बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाएं। मेहरा जी ये कभी भी मेरे स्पॉन्सर नहीं थे, ये मेरे लिए हमेशा प्रेजेंटर रहे हैं। कि नहीं, आप शो करो, मैं आपके साथ में हूँ। और जब तक ऐसे लोग मेरे साथ हैं मुझे और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में ही और एक शख्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, मिस्टर किशोर जी वाधवानी, जो इंदौर से है। दबंग दुनिया ये उनका न्यूज़पेपर है, उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनका भी मुझे सहयोग मिला है। कल भी हम लोग साथ में बैठे थे तो हमने आने वाले 6 महीने में 6 शो अलग अलग, जिसमें 3 षणमुखानंद में है और बाकी 3 अलग जगह पे है, उसका पूरा डिजाइन किया है। मैं आज उनको फूलों से इसलिए नहीं नवाज रहा हूं क्योंकि ये शो इनकी वजह से हो रहा है और यही उसके प्रेजेंटर है। मैं इन दोनों का बहुत बहुत आभारी हूं। और किशोर जी कुछ कहना चाहोगे? दोस्तों, मैं लगातार इंदौर में कार्यक्रम करता हूँ, चाहे हमारे समाज का कार्यक्रम हो, चाहे बर्ड म्यूज़िक डे हो, चाहे कोई सा भी हो, कम से कम 12 से 15 कार्यक्रम एक साल के अंदर इंदौर में करता हूँ। लेकिन मैं 10-15 साल से करीबन हेमंत कुमार जी को जानता हूँ और हेमंत कुमार जी जो जिम्मा ले लेते हैं उसको पूरा दिल से करते हैं, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी यूएसपी है कि म्यूजिशियन ऐसे बजाते हैं कि समझ लो कि ओरिजिनल फेल हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात, इनके पास सिंगर वही व्यक्ति टिक सकता है जिसको क्वालिटी हो। और यहां रॉ लेते हैं उसको इतने गुण दे देते हैं कि वो क्वालिटी देने लगता है। ऐसे ही मैं देखो, इनके पास सिंगर में गौरी कवि, वैभव वशिष्ठ,
प्रियंका मित्रा, जैसे ये समझ लो इनके पास हीरे हैं और ये हीरे के बलबूते पे आज जहाँ शो करते हैं वो सक्सेसफुल जाता है। तो ऐसे ही मेरी कल हेमंत कुमार जी से बातचीत हुई और कहा कि हमको साल भर का यहाँ का भी प्रोग्राम करना है। मैंने कहा हेमंत भाई करो, हमारा ग्रुप आपके साथ है, जहाँ भी कोई भी दिक्कत है तो आप तो सिर्फ आदेश करना, वैसे ही हम आपके लिए खड़े हैं, क्योंकि आप म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए हैं और म्यूज़िक को प्रमोट करते हैं और नए नए बच्चों को प्रमोट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी बचपन से गीत सुनता था, 10-15 साल से हेमंत कुमार जी के पूरा YouTube पे देखता हूं और रात को रोज सोता हूं, लेकिन एक दो बार इन्होंने मेरे मुंह से भी गीत सुने तो इन्होंने कहा यार तुम भी सिंगर बन सकते हो भाई, थोड़ी कोशिश करो। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हेमंत कुमार जी का देता हूँ कि इन्होंने मेरे को व्यापारी में इंडस्ट्री है, मैं व्यापारी हूँ, दबंग दुनिया स्टील का प्लांट है, कई मेरे प्लांट है, पान मसाला है, गुटखा है, माउथ प्रेशर है और कंस्ट्रक्शन का काम है सब। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन्होंने मेरे को इस मंच पे भी ला के खड़ा कर दिया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हेमंत भाई का कि जिन्होंने एक, इनको मालूम है कि कोई व्यक्ति को कैसे तराशा जाए, ये इसकी क्वालिटी है इनकी। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद हेमंत कुमार जी को देता हूँ कि इन्होंने दिल से जो चाहा वही पाया और करके दिखाया। आप सब लोगों को एक ही निवेदन है, हेमंत कुमार के इस काम के लिए आप अगर जोरदार तालियां बजाएंगे तो लगेगा वाकई कि हमारे हेमंत भाई में बहुत दम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मेहरा जी। हमें जब भी याद आती है कुछ खाना है पीना है तो हम सीधा आपकी होटल में आते हैं, वहाँ दो दिन रुकते हैं, जैसे ये अपना होटल है, अपना घर है। इतना प्यार आपने हमें दिया है, कभी भी हमने इस बात को महसूस नहीं किया कि हम किसी और के यहाँ गए हैं। ये जो प्यार आपसे मिला है उसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप दो लफ्ज़ आप माले साहब इज अ ग्रेट 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 आर्टिस्ट। आई थिंक ही इज अ क्लास अपार्ट। ही इज नॉट अ ग्लास, ही इज अ क्लास। आई थिंक ही इज वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट आई हैव सीन इन द स्टेज। आई रियली अप्रिशिएट हिज एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन दिस इंडस्ट्री। आई थिंक ही इज द किंग ऑफ द स्टेज। ही इज द किंग ऑफ द स्टेज इन इंडिया। लाइक वी से टू राज कपूर दैट ही इज द क्या बोलते हैं उसको, शोमैन ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। आई थिंक मिस्टर महाले इज द शोमैन ऑफ द स्टेज इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच। यही होता है दोस्तों, आखिर मैं सोचता हूँ कि कमाना क्या होता है, सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। आज YouTube पर अगर आप जाओगे, मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, रोज़ाना 2.5 लाख से लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। आज की तारीख में 6,70,00,000 व्यूअरशिप क्रॉस हो चुकी है, 2 लाख से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर है, वो भी रोज के 1,000 से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और मुझे क्या चाहिए, बस ये जो मेरे दिल की भावना है वही अगले गीत में है और वो है प्रेम रतन धन पायो। तो आपके सामने इस गीत को लेकर आ रही है गौरी कवि और संगीतकार हिमेश रेशमिया और सिंगर है पलक मुच्छल। सुख दुख जो उठे धन भी झूठा झूठी मोह माया सच्चा मन का वो
प्रेम रतन पाया पायो। दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा इंटरवल हो रहा है, उसके बाद केशव जी वाधवानी आपके सामने दो तीन गीत पेश करेंगे और फिर हमारे सारे म्यूजिशियन सिंगर जो है सिंगर्स के और कुछ गीत आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जस्ट 10 मिनट्स, मिलते हैं।
आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं. सेकेंड हाफ आपके सामने पेश है. मिस्टर आलोक काटदरे यहाँ पर आ रहे हैं. किशोर कुमार का गीत तुमच्या पोटावर पाय बघा त्यांना यायचं आता गायला. मोठा पाय येस. सारा जमाना हसीनों का दीवाना. हाँ जी. हेलो. हाँ. अरे डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस को है बॉस. हाँ लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. जरा जोरदार तालियां हो जाए. क्या बात है. इस गाने में आपके तालियों का साथ होगा. सारा जमाना हसीनों का दीवाना. रेडी. चलो. चलो तालियां जोर से. क्या बात. वेरी गुड.
थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद फिर एक बार लता जी का गाया हुआ गीत मेरे ख्वाबों में जो आए और गौरी जी आपके सामने पेश करेगी। उषा उत्थुप जी का इतना प्यारा गीत है, पुराना गीत है वैसे, शालीमार फिल्म से, 1-2-cha-cha-cha, पंचम दा का संगीत है उसमें। और ये गीत अगर सुनना हो तो ऐसा लगता है सिर्फ मनीषा से ही सुने। तो मनीषा जी आप आ जाइए और ये गीत सुनवाइए।
Yeah.
क्या बात है, 1 2 चा चा चा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमने करके देखा था कि जो हमारे सिंगर्स हैं, जैसे मनीषा है और वैभव है, फिर पल्लवी है, इन लोगों को मैंने 2 दिन के लिए बुला लिया था और कोरियोग्राफर को भी बुला लिया था, उनसे कुछ छोटे छोटे स्टेप्स करवा के आज वो इस तरह से थोड़ा अलग परफॉर्मेंस आपके सामने दे रहे हैं। अगला भी एक परफॉर्मेंस कुछ ऐसा ही अलग है। पहले मैं एक गीत बता देता हूँ, आनंद मिलिंद साहब का एक गीत है, कयामत से कयामत तक। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, उदित जी का गाया हुआ गीत, और कौन गाने के लिए आएगा बताने की ज़रूरत है ही नहीं, वैभव वशिष्ठ जी आ रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से समथिंग बिकॉज द माइक स्टैंड इज कमिंग। वी हैव मिस्टर प्रकाश वर्मा जी who has arranged almost all songs of Anand Milind ji, and this was the first film by Anand Milind ji, and rest all songs, all films are arranged by him. So we have all the original string section. Sanjeev Rao ji is a great violinist, is there. So this song is about the music arrangement and the original violin section what we have. They must have played in the real take as well. So, Vaibhav, if you are ready, we will start. सबके दिलों में अरमा ये है, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई ना जाने के मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। Thank you.
सपना है एक चेहरा, देख जो उसको झूमे बहार। मेरा तो सपना है एक चेहरा, देख जो उसको झूमे बहार। गालों में खिलती कलियों को देखो, आंखों में जादू होठों में प्यार। बंदा ये खूबसूरत काम करेगा, दिल की दुनिया में अपना नाम करेगा। मेरी नजर से देखो तो यारो के मेरी मंजिल है कहाँ। अच्छा, मैं एक बार चाहूँगा इन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, स्पेशली वंडरफुल। अच्छा नहीं, ये मैन बिहाइंड एवरीथिंग है, बट इतना अच्छा डांस करते हैं, मैं रिहर्सल में देखा मैंने इनको, कमाल है यार, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। अगला गीत आशा जी का है और अब संगीतकार है उत्तम सिंह जी। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है और गीत के बोल है ले गई ले गई, और इस गीत को लेकर आ रही है प्रियंका मित्रा जी।
इसी तरह का एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन पंचमदा है, यहाँ पर उषा उत्तुप जी है, वहाँ बप्पी दा है, बप्पी लाहिरी जी। फिल्म का नाम है प्यारा दुश्मन, यस, और गीत के बोल है हरि ओम हरि। एक ज़माने में ये गाना बहुत मशहूर हुआ था और उसकी वजह भी यही थी कि उषा उत्तुप जी की आवाज़ और ब्रास सेक्शन। सुनते हैं एक बार फिर से पल्लवी जी से।
प्यासे प्यासे दिल में है अरमा हजारों, सांसों में है सपने हजार। एक एक पल यहाँ झूम के जी ले, जीने के है दिन बस चार। Dreams are so many, desires never ending, life too short, let's live, love every moment, make your life worth living. Hari Om Hari, 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 Hari Om Hari. यस, शो खत्म होने के बाद मारेंगे। अगला गीत फिल्म पुकार से है, पंचमदा का संगीत। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, रणधीर कपूर, टीना मुनीम, इन पर पिक्चराइज किया गया ये गीत है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। और आ रहे हैं मिस्टर आलोक काटदरे, और उनका साथ दे रही है प्रियंका मित्रा।
यार की आंखों से जानती है के मस्ती में जीना तो है चार ही दिन जिएंगे मस्ती में यार की आंखों से जान पिएंगे मस्ती में आंखों से जान पियो लेके मेरा नाम जियो दिल मेरा आप कहर है और लाखों में तू एक ही जान जिगर है लाखों में तू एक ही जान जिगर है बच के रे नारे बाबा बच के रे नारे बच के रे नारे बाबा तुझ पे नजर है तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने कैसे कैसे तो फैलाए तू क्या जाने बच के रहना रे पापा बच के रहना रे बच के रहना रे पापा तुझ पे नजर है ला 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 अगला जो गीत है वो फिर से एक बार दिल तो पागल है इस फिल्म से है और गीत के बोल है अरे रे अरे ये क्या हुआ। उदित नारायण जी और लता मंगेशकर इन्होंने इस गीत को गाया है और आपके सामने अभी आ रहे हैं मिस्टर वैभव वशिष्ठ आ जाइए और उनका साथ देने आ रही है अनुप्रिया चटर्जी।
मुझे शबनम को ऐसा लगता है किसी ने छू लिया हमको। अरे अरे ये क्या हुआ मेरे ना ये जाना, अरे अरे बन जाए ना बन जाए अफसाना। अगला गीत पेश करने के लिए फिर एक बार आ रही है मनीषा जांबुडकर, फिर वही आवाज़ उषा उत्थुप जी की। फिल्म का नाम है अरमान और गीत के बोल है रंभा हो। ये गाना उस जमाने का भी बहुत मशहूर था और फिर अपनी अलग स्टाइल में मनीषा आ रही है आपके सामने। कोरस के लिए ताली बजाना है सबको, क्या बात है। Oh, 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 oh.
अगली पायदान पर एक फीमेल डुएट हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, श्रेया घोषाल और कविता कृष्णमूर्ति, इन्होंने इस गीत को गाया है। संगीतकार है इस्माइल दरबार एंड मोंटी शर्मा, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित पर यह गीत फिल्माया गया है। डोलारे डोलारे और गौरी जी और प्रियंका। Thank you.
अगला गीत नायक नहीं खलनायक हूं मैं। कितने अलग अलग गीत आज की इस कंसेप्ट में आ गए हैं। फिर एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, विनोद राठौड़ कविता कृष्णमूर्ति और इस गीत को लेकर आ रहे हैं आलोक काटदरे और पल्लवी। तू
प्यास है, मेरी प्यास है। देखा था माने कभी प्यार से, अब मिल गई वो भी संसार से। मैं वो लुटेरा हूँ जो लुट गया, माँ का भी आंचल कहीं छूट गया। संगीतकार है अजय अतुल, सिंगर है श्रेया घोषाल, फिल्म का नाम है अग्निपथ और गीत के बोल है चिकनी चमेली। आपके सामने लेकर आएगी प्रियंका मित्रा।
जहां ब्रास सेक्शन हो वहां ये गीत अगर नहीं हो तो फिर क्या है। फिल्म हम किसी से कम नहीं, कंपटीशन सॉन्ग जहां रफी साहब है, किशोरदा है, खुद पंचमदा है और आशा जी है, आपकी खिदमत में पेश है। ये आखिरी गाना हम लोग सब साथ में गाएंगे, चलेगा? बराबर, चलिए। जा रहे हो तुम, जाओ मेरी
Thank you. Thank you. हेलो हाँ कुछ अलग देने की कोशिश थी इस प्रोग्राम में अगला भी प्रोग्राम कुछ उसी तरह से होगा थैंक यू वेरी मच 4.25 घंटा आप लोगों ने हमें बर्दाश्त किया फिर मिलते हैं 7 जुलाई को इसी तादाद में आइए कोई बात नहीं आपकी तालियां हज़ारों से ज़्यादा हैं मिलते हैं